हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम पहला कमेंट बॉक्स बनाने के बाद, उसके बाद तो भैया आपके कमेंटों की भरमार हो गई और आपके बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। आपके सारे के सारे कमेंट्स आज रीड करने वाला हूँ। तो कुछ लोगों का नंबर इनमें आ भी सकता है, कुछ लोगों का नहीं भी आ सकता। तो आप अगले कमेंट बॉक्स का इंतजार करें, अगले कमेंट बॉक्स में आ जाएगा। और आपका प्यार और सपोर्ट और साथ देकर लगता है कि अब कमेंट बॉक्स मुझे हर वीक में लेकर आना पड़ेगा। हालांकि मैं कमेंट बॉक्स बहुत कम अपलोड करता हूँ, अभी तक मैंने एक ही कमेंट बॉक्स अपलोड किया है, दूसरा कमेंट बॉक्स है। उम्मीद करता हूँ उसी की तरह आपका प्यार इस पर भी बना रहेगा। चलिए चलते हैं गाइस, अपने कमेंट्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और इस बार कमेंट पढ़ने के लिए मेरे पास कोई फोन नहीं था, तो मुझे मजबूरन लैपटॉप का ही सहारा लेना पड़ा। तो चलिए, यहाँ पर जो पहला कमेंट मेरे पास आया है वो आया है कुलदीप पाल की तरफ से। कुलदीप पाल जी कहते हैं कि भाई, आपने अपने चैनल पर इतने सारे वीडियो डाल दिए, फिर भी आपके सब्सक्राइबर कम क्यों है। जी हाँ भाई, आपने सही कहा। इस चैनल के ऊपर आपको 217 से 225 के समथिंग में वीडियोस मिल जाएंगे। देखिए, इसका कारण फिर भी मेरे सब्सक्राइबर कम क्यों है। देखिए, इसका कारण यह है कि एक कंसिस्टेंसी मैंने बनाकर नहीं रखी। एक्चुअली मैंने कुछ दिन, तो मुझे लगभग 6-7 महीने तो मैंने काम किया था, तब मुझे यूट्यूब का कुछ नॉलेज नहीं था। हालांकि मुझे जो वीडियोज दे रहा था, मैं आपको फोटोशॉप कोर्स प्रोवाइड करवाता था, तो डायरेक्ट इतने बड़े वीडियो मुझे नहीं डालने चाहिए थे, वो डाल दी। पहली गलती ये हो गई। दूसरी बात, यूट्यूब का इतना नॉलेज नहीं था टेक्स्ट टाइटल डिस्क्रिप्शन का, तो उसके कारण जो है कितने दिनों तक चैनल ज़्यादा चला नहीं। उसके बाद में मेरी स्टडी आ गई, तो मैंने एक साल तक बिल्कुल चैनल को छोड़ दिया और एक साल बाद में फिर से वीडियो डालने लगा। और अब आपका प्यार और सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिल रहा है और जल्द ही हम 1K कंप्लीट कर लेंगे आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। कमेंट हमारे पास आया है लेटेस्ट जानकारी। जी हाँ, साकिब भाई की तरफ से कमेंट आया है। ये बोलते हैं भाई, एंट्रो बहुत मस्त था, और ये बोलते हैं उसमें एंट्रो में मेगापिक्सल ले लो, मेगापिक्सल एंड वीडियो इज वेरी इंफॉर्मेटिव। तो थैंक यू भाई आपके बहुत ही प्यारे और जो है ये मतलब इंप्रेसिव फीडबैक के लिए। और आपके लिए एक बार मैं फिर से बोल के बता देता हूँ, यही एंट्रो। चलिए बोलता हूँ मैं एक बार के लिए, मेगापिक्सल ले लो, मेगापिक्सल 32 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, अरे भाई मेगापिक्सल ले लो 108 मेगापिक्सल। जी हाँ गाइस, अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली जानकारी दी गई है स्मार्टफोन कैमरा और मेगापिक्सल को लेकर, तो ज़रूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट की। वेल गाइस, मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट जो आ रहे हैं, वो कमेंट था एक तो ओम गुप्ता की तरफ से, वो कमेंट आया है इंडियन कार्टून की तरफ से, वो कमेंट आए हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी तरफ से एक ही कमेंट आ रहा है। देखिए, एक ने कमेंट किया है कि टीवी से कार्टून वीडियो को अपलोड करके चैनल बनाए तो क्या वो मोनेटाइज होगा, और दूसरी तरफ क्वेश्चन पूछा है हमारे इंडियन कार्टून ने, उन्होंने पूछा है कि अगर हम टीवी से रिकॉर्ड करके अपलोड करें तो कॉपीराइट आएगा कि नहीं आएगा। कुल मिलाकर दोनों का क्वेश्चन एक ही है कि मोनेटाइज होगा कि नहीं और कॉपीराइट आएगा कि नहीं। देखिए भाई, बिल्कुल आपने टीवी से रिकॉर्ड किया तो आपका है वो कंटेंट, नहीं है ना, आप रूल्स ब्रोक कर रहे हो यहाँ पर, तो बिल्कुल कॉपीराइट आएगा। हाँ, हो सकता है कुछ कंडीशंस में नए आए। कंडीशन वहाँ पर ये होगी, आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है मतलब प्योर क्लियर नहीं होगी और आपकी वॉइस प्योर क्लियर नहीं होगी, कुछ अलग सुनाई देगी। उस कंडीशन में हो सकता है आपकी कॉपीराइट ना आए, लेकिन कभी ना कभी यार एक चोरी तो कर रही रहे हो आप, तो आपकी चोरी पकड़ी जा सकती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें, वरना एक ना एक दिन आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। वेल गाइस, ये छोटी सी सी बात, आप कुछ कॉमन सेंस की बात है, आप कुछ समझ कर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तो नेक्स्ट कमेंट हमारे पास आया है अतिक पॉइंट की तरफ से। अतिक भाई ने लिखते हैं कि भाई, पुरानी यादें ताज़ा करने आज फिर आ गया हूँ मैं। जी हाँ भाई, ने कमेंट जो है कोलैबोरेशन वीडियो पर किया है। यदि आपने अतिक पॉइंट भाई के साथ मेरी कोलैबोरेशन वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर जरूर देखिए। और भाई थैंक यू सो मच, आज फिर से आपके चैनल मोनेटाइज होने के बाद में आप हमारे चैनल पर आए और फिर से वो यादें आपने ताज़ा की, फिर से उस वीडियो पर कमेंट किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तो अगला कमेंट हमारे यहाँ पर, नेक्स्ट कमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर गूगल से डाउनलोड करके यदि हम कार्टून वीडियोस को अपलोड करते हैं तो क्या कॉपीराइट आएगा या नहीं आएगा। देखिए, इसको भी थोड़ा सा समझिए, आप गूगल से कहाँ पर डाउनलोड करोगे, किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर दोगे, आपको क्या पता जिस वेबसाइट ने डाउनलोड किया है उसका खुद का बनाया हुआ है कि नहीं हुआ, उसका खुद का बनाया हुआ नहीं हुआ तो उसने किसी का कॉपीराइट करके डाला हो तो, और मान लीजिए जो वेबसाइट है जिससे आपने वीडियो उठाया वो जेन्युइन है, उसने खुद ने वीडियो बनाया हो, तो वो वेबसाइट यूट्यूब पर आके आपको स्ट्राइक दे सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो यूट्यूब पर नहीं दे सकती, जिन्होंने वहाँ पर कंटेंट डाला है क्या पता उसका यूट्यूब पर भी चैनल हो, वहाँ से आपको कॉपीराइट आ सकते हैं। आपका कंटेंट तो नहीं है कुल मिलाकर, ये बात आ गई यहाँ पर सामने। तो गूगल से डाउनलोड करने की गलती तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा आप। हाँ, गूगल से आप क्रिएटिव कॉमन पर जाकर जब आप जो है डाउनलोड करते हो वहाँ पर कुछ रिस्क कम होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी पूरा रिस्क खत्म नहीं हो जाता, वहाँ पर भी आपको रिस्क रहता है, क्योंकि वहाँ पर क्या पता जो आपको जो क्रिएटिव कॉमन्स में दिख रहे हैं उन्होंने किसी और का जो है कॉपी किया हो और अपने के अंदर लाइसेंस दे दिया हो कि आप यूज़ कीजिए, तो ऐसा हो सकता है।
में भी कभी कभी नहीं आता है। आप सोचते हो कि यार उसने तो अपलोड किया, उसके नहीं आता है, तो भाई आप चोरी कर रहे हो और चोरी किसी भी दिन पकड़ी जा सकती है, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना कीजिए। हाँ, ये जो आप बोल रहे हो कि फिर करें क्या, क्या करें, तो आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, 3 वीडियो आपके लिए एक्चुअली आएंगे जिससे आप जो है कार्टून के अंदर अपना करियर बहुत आगे ले जा सकते हैं, यदि आपका इंटरेस्ट है कार्टून के ऊपर वीडियो डालना ही। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। क्या नेक्स्ट कमेंट हमारे पास आता है स्मृति श्री की तरफ से, बोलती है भाई काइन मास्टर में वीडियो एड करने पर उसका 720 कॉफी ले रहा है, व्हाट टू डू। ये बोल रहे हैं देखिए आपकी प्रॉब्लम प्रॉपर तो मुझे समझ में नहीं आई है, लेकिन हो सकता है आपके पास प्रॉब्लम आई है फ्रेम की। कई बार क्या होता है कि 720 पिक्सल वाली फ्रेम कई फोन्स में सपोर्ट नहीं होती, तो वहां पर नहीं लेता। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको जो है एनालिटिक्स में जाकर इसको रन करवाना होगा। रन एनालिटिक्स पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, काइन मास्टर की सेटिंग में आपको जाकर ये ऑप्शन मिलेगा, नहीं समझ में आ रहा तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें मैंने प्रॉपर बताया इस तरह की प्रॉब्लम आए तो आप क्या कर सकती हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कमेंट। नेक्स्ट जो कमेंट, तो देखिए गाइस नेक्स्ट जो हमारे पास कमेंट आया है वो आया है सलीम की टेक की तरफ से। सलीम की टेक ने बहुत ही अच्छा मैसेज लिखा है, बोलते हैं भाई शुरुआत में लोग मजाक भी उड़ाएंगे, तरह तरह की बातें भी बोलेंगे, लेकिन आपको इग्नोर कर देना है। आपका वीडियो देखकर मुझे लगता है कि आप एक दिन बहुत बड़े यूट्यूबर बनोगे। और दूसरा कमेंट इन्होंने किया है कि भाई अच्छा वीडियो बनाती हो, न्यू चैनल के हिसाब से देखा जाए तो फिलहाल मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, आप कहाँ से हो। तो देखिए भाई मैं है राजस्थान से हूँ, राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। और आपने जो है प्यारा कमेंट किया है कि लोग शुरुआत में जो है आपको जो है बहुत ही बातें बोलते हैं, बार बार सुनाते हैं, पर लोगों की नहीं सुननी है। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं लोगों की सुनता भी नहीं हूँ और मैं सुनूंगा भी नहीं। सही कहा आपने, शुरुआत में लोग कहेंगे, एक्चुअली आप सक्सेस नहीं हो रहे हो तो लोग कहेंगे, लेकिन सक्सेस एक दिन जरूर आती है, क्योंकि जो आपकी असफलता होती है वही आपकी सफलता की चाबी होती है। चलिए आपके इस प्यारे कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तो टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा कमेंट अब हम नहीं लेंगे, तो नेक्स्ट कमेंट हम रीड करते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट हमारे पास आया है वो आया है अजय कुमार की तरफ से। अजय कुमार ने जो है न्यू चैनल की वीडियो एडिटिंग कैसे करे उस वीडियो पर कमेंट किया है कि भैया न्यूज कहाँ से ले। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई भी कबार हमारे पास भी दिक्कत आ जाती है कि टॉपिक कहाँ से ले टेक के लिए, और इसी तरह आपके पास भी अपने चैनल के लिए आ रहा है कि भाई न्यूज कहाँ से ले। देखिए न्यूज के लिए, मतलब मैं बोलता हूँ न्यूज के लिए तो यार टॉपिक्स भरे पड़े हैं, बथेरे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। न्यूज चैनल से कनेक्टेड रहिए, न्यूज आर्टिकल्स रोज रीड कीजिए, अपनी तरफ से न्यूज हिस्ट्री न्यूज निकाल कर लेकर आ जाइए। जैसे कि आपको मैं बता दूँ, एक न्यूज का एग्जाम्पल ले लेकर बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर अभी हमारे देश की इकोनॉमी गिर रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इकोनॉमी को कैसे जो है सुधारेंगे, आप इस पर न्यूज ले सकते हो। और यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे हिस्ट्री से एग्जाम्पल उठा लो, क्योंकि यही समस्या एक बार अमेरिका के अंदर भी आई थी, शायद 1925 के अंदर वहाँ पर भी आई थी ना, नहीं 1975 था या 85 पता नहीं, लेकिन वहाँ पर हमारा तब उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे, और वहाँ ने उन्होंने ट्रिपल आर राजनीति जो है वहाँ पर अपनाई थी, ट्रिपल आर जो है रणनीति वहाँ पर उन्होंने अपनाई थी, जिसे बोलते हैं रिफंड रिकवरी और रिफिल, यहाँ पर ऐसे कुछ उन्होंने रणनीति अपनाई थी। तो आप उसको कंपेयर करके लोगों को कह सकते हैं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट बन पाएंगे, कि हमारे देश को जो है आज़ाद करा पाएंगे। तो अब लोगों को यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली कि कैसे जो है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने जो है अपनी रणनीति से उभारा था, तो क्यों ना हमें भी जो है अपने जो है डेली लाइफ में यूज लेना चाहिए। एक न्यूज बन गई, इंटरेस्टिंग सी न्यूज बन गई। इस तरह से आप जो है हिस्ट्री को खंगालने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज वहां से मिलेगी। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, सारे कमेंट मैंने जो है इंपॉर्टेंट थे वो रीड कर लिए हैं। बहुत सारे कमेंट, मुझे पता है बहुत ज़्यादा कमेंट थे, तो सारे के सारे तो वीडियो में लेना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ हो सकता है छूट भी गए होंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।